Hey guys, welcome back to our YouTube channel. I hope आप सब बढ़िया होंगे. This side मोहित सीनियर. अभी NTA की तरफ से एक बहुत बड़ी जो मेजर अपडेट निकलकर सामने आई है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर. अगर आप नीट 2024 की प्रेपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नीट 2024 का एग्जाम नहीं दे सकते और ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली. ईच एंड एवरी स्टेप को अच्छे से समझे. तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दूंगा और इसका सोल्यूशन भी बता दूंगा कि जो बच्चे एग्जाम नहीं दे सकते वो क्या कर सकते हैं. तो ईच एंड एवरीथिंग को अच्छे से समझे. अब कौन से बच्चे एग्जाम नहीं दे सकते वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले चाहे बच्चे आप एग्जाम दे सकते हो चाहे आप एग्जाम नहीं दे सकते, हर एक बच्चे को मैं एक चीज रेकमेंड करना चाहता हूं कि नीट के अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जिनका सिलेबस भी जो है वो सेम होता है. एम्स के अंदर बीएससी नर्सिंग के अलावा तो आपको पता होगा कॉमन है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिनको आपको अटेम्प्ट करना चाहिए. आप ड्रॉपर बैच के हो चाहे आप रेगुलर बैच के हो, ईच एंड एवरी स्टूडेंट को उन सारे एग्जाम्स को जो है वो कंडक्ट करना चाहिए. वो कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं, सिलेबस आपका सेम रहेगा नीट का, उसके लिए कोई आपको एक्स्ट्रा प्रेपरेशन भी नहीं करनी पड़ेगी. इसलिए अपनी सेफ साइड के लिए मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि उन सारे एग्जाम्स में आप जरूर पार्टिसिपेट करें. अब वो कौन कौन से एग्जाम्स होने वाले हैं उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, उस वीडियो का लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा. वो वीडियो जो वहां जाके जरूर देखें और उन एग्जाम्स को भी जरूर कंडक्ट करें विद सेम नीट सिलेबस. इसके लिए कोई भी आपको एक्स्ट्रा प्रेपरेशन नहीं करनी है. अब मैं आपको जल्दी से बता देता हूं कि कौन कौन से बच्चे जो नीट के 2024 का एग्जाम नहीं दे सकते. तो सबसे पहले जो मेजर अपडेट यही निकलकर सामने आई है कि नीट 2024 के जो बच्चे हैं वो एग्जाम नहीं दे सकते, उसका मेन रीजन क्या है, क्योंकि पिछले साल जिन बच्चों ने भी नीट का एग्जाम दिया था, एग्जाम देने के बाद फाइनल स्टे वैकेंसी जो हमारी काउंसलिंग होती है उसके अंदर जो आपको पता है हमारे पास फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड होता है, तो जिनको बच्चों को फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर कॉलेज अलॉट हुआ था, तो अगर उन्होंने कॉलेज अलॉट होने के बाद वो कॉलेज नहीं लिया, वो एमबीबीएस वाले बच्चे या फिर बीडीएस वाले बच्चे, ये वीडियो आयुष वालों के लिए नहीं है. आयुष के लिए इसमें कोई भी पाबंदी नहीं लगाई गई है, लेकिन जो बच्चे एमबीबीएस कॉलेज जिन बच्चों को अलॉट हुआ था या फिर जिन बच्चों को बीडीएस कॉलेज अलॉट हुआ था और उन्होंने फाइनल स्टे वैकेंसी के अंदर, ध्यान से समझ लो, जिन बच्चों को लास्ट ईयर कॉलेज अलॉट हुआ था एमबीबीएस का बीडीएस का फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर, अगर उन्होंने वो कॉलेज नहीं लिया, अगर वो अपनी सीट को छोड़ दिया, स्किप कर दिया था कि मैं नेक्स्ट ईयर दोबारा से प्रेपरेशन करके दोबारा से तैयारी करूंगा, तो वो वाले बच्चे जो है इस साल नीट एग्जाम 2024 का नहीं दे सकते. ये सब खबर जो आई है ये सब ड्रॉपर्स बैच के लिए, जिन बच्चों ने ड्रॉपर्स से और ड्रॉपर्स के बाद फाइनल स्टे वैकेंसी के अंदर राउंड के अंदर अपनी सीट को स्किप किया था वो वाले बच्चे नीट 2024 का जो एग्जाम नहीं दे सकते. ये वीडियो जो है वो आयुष वाले कोर्सेज के लिए नहीं है, और जो बच्चे आयुष से रिलेटेड है अगर उन्होंने भी अपने कॉलेजेस को स्टे वैकेंसी में छोड़ा था उनके लिए कोई पाबंदी नहीं है, वो एग्जाम दे सकते हैं. उनके लिए ऐसी कोई भी अभी मेजर गाइडलाइंस नहीं निकलकर सामने नहीं आई है, सिर्फ ये ड्रॉपर्स बैच के लिए, जिन बच्चे जो ड्रॉपर्स थे उन्होंने फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर अपने आखिर अपने एमबीबीएस बीडीएस कॉलेज को छोड़ दिया था, तो वो नीट 2024 के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, क्योंकि रजिस्ट्रेशन हमारी स्टार्ट होने वाली है कुछ ही दिनों के अंदर, और वो बच्चे जो है रजिस्टर करने बैठेंगे तो अगर उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रही है तो उनका ये सबसे बड़ा मेजर जो है वो रीजन बन सकता है कि उनकी रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हो रही, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा कि मेरी रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हो रही, तो उसका सबसे बड़ा मेन रीजन ये बन सकता है कि अगर आपने अपनी लास्ट राउंड के अंदर जो है अपनी सीट को स्किप किया था तो अब आप इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते. अगर आयुष की तरफ से भी ऐसी कोई गाइडलाइंस निकलकर सामने आती तो मैं आपका डेफिनेटली आपका भाई आप तक पहुंचा देगा, लेकिन आयुष के लिए ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं है, सिर्फ ड्रॉपर्स बैच के लिए एमबीबीएस और बीडीएस के. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए नीट के रिलेटेड अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. सारे के सारे नीट के रिलेटेड ईच एंड एवरी अपडेट आपका भाई आप तक टाइम टू टाइम पहुंचाता रहेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अब जैसे जैसे हमारे फॉर्म्स पास आते जाएंगे एनटीए की तरफ से बहुत बड़े मेजर मेजर अपडेट जो वो निकलकर सामने आती रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें.